हाय बेटा, कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा होगा बेटा, कि हम लोगों ने जेनेटिक्स के अंदर एक टॉपिक था, उत्परिवर्तन, उसको स्टार्ट किया है। म्यूटेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और म्यूटेशन के अंदर उत्परिवर्तन म्यूटेशन के अंदर हम लोगों ने बेसिक जो थीम थी उसके वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन किस प्रकार की विभिन्नताओं के द्वारा होता है, बेसिक करेक्टर उसके क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके प्रकार, कि दो प्रकार होते हैं, स्वतः और प्राकृतिक, और एक देखा था कृत्रिम और प्रेरित। प्रेरित किन्हीं कारणों से हो रहा था, उन पदार्थों को हम लोगों ने उत्परिवर्तनजन कहा था। उत्परिवर्तनजन हम लोगों ने दो प्रकार के डिस्कस किए थे, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक में भी आपके दो प्रकार आए थे, आयनकारी और अआयनकारी। आयनकारी में आए थे हम लोगों के पास कौन सा आया था, याद करो, एक्स किरणें, अल्फा बीटा और गामा किरणें किसके अंदर आती थी, आयनकारी के अंदर। और अआयनकारी के अंदर कौन सी आई थी, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनका यूज कहाँ किया गया था, ऑपरेशन थिएटरों के अंदर, ऑपरेशन थिएटरों को या एपरेटसों को स्टेलाइज करने में किया जाता था। फिर हमारे पास केमिकल आए, और केमिकल के अंदर हम लोगों ने देखा था HNO2, नाइट्रस एसिड। फिर आप लोगों के आया था मस्टर्ड गैस, फर्स्ट आइडेंटिफाई था, डिफरेंट काइंड की डाई थी, EMS, MMS हम लोगों ने देखा था, एल्कलाइन एजेंट थे जो क्या करते थे, म्यूटेशन को क्रिएट करते थे। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो केमिकल म्यूटाजन होते हैं वो फिजिकल म्यूटाजन के कंपेरेटिव क्या होते हैं, मोर हार्मफुल होते हैं। रीजन, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन हो जाता था कंप्लीट बॉडी में, इसलिए वो हार्मफुल होते थे। वाइल फिजिकल जो म्यूटाजन होते थे वो लोकलाइज होते थे, स्थानीयकृत होते थे, फिक्स जगह अपना इफेक्ट क्रिएट करते थे। आफ्टर हम लोगों ने बेटा सेकेंड बेस के बेस पर भी देखा था कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो, नंबर में चेंज हो, या जीन के थ्रू हम लोगों ने देखा था। तो उस बेस पर हम लोग आज एक नया टॉपिक हम लोगों के स्टार्ट करते जा रहे हैं, वो है गुणसूत्रीय विवर्तन। क्रोमोसोमल एबरेशन, गुणसूत्रीय विवर्तन क्या है बेटा? जब गुणसूत्रों की संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो, जब गुणसूत्रों की संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस परिवर्तन को ही कहा जाता है गुणसूत्रीय विवर्तन। ये जो गुणसूत्रीय विवर्तन होता है बेटा, ये आपके चार प्रकार का है। गुणसूत्री विवर्तन कितने टाइप का होता है? फोर टाइप का। फर्स्ट इज विलोपन, बोले तो डिलेशन। सेकंड इज द्विगुणन, डुप्लीकेशन। थर्ड इज स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। और फोर्थ इज प्रतिलोमन। इन्वर्जन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास विलोपन। डिलेशन, विलोपन क्या होता है? जब किसी गुणसूत्र पर से गुणसूत्रीय खंड क्या होता है, उसकी कमी होती है, विलुप्त होता है, खंड टूटता है, तो उसको, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को कहा जाता है विलोपन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? विलोपन कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्रीय खंड टूटता है वो तो किस प्रकार से टूट सकता है, तो उसके लिए अपन लोग देखें आपके थीम। ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे बेटा ये क्या आ रहे हैं, जीन लोकेटेड हैं, ये हम लोग जानते हैं ना।
प्रीवियस वीडियो में सारी बातें आ चुकी हैं आपकी। अब सपोज करो मैं बेटा कह रहा हूँ कि ये जो गुणसूत्री खंड है ये विलोपित हो जाए, या ये गुणसूत्री खंड विलोपित हो जाए, या ये गुणसूत्री खंड विलोपित हो जाए, या फिर ये वाला गुणसूत्री खंड क्या वो विलोपित हो, तो किधर से विलोपित हो रहा है, कहाँ से विलोपित हो रहा है, उसके बेस पर ये जो विलोपन है ये आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है अग्रीय विलोपन, टर्मिनल डिलेशन, और एक होता है अंतर्वेशी विलोपन, इंटर एलेरी डिलेशन। अग्रीय विलोपन खुद पता चल गया कि यदि सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि ये एफ जी वाले जीन क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं, एफ जी जीन डिलीट हुए हैं, तो हमारे पास ये जो कंडीशन आएगी तो ये कौन सा हुआ, अग्रीय हुआ। अग्रीय एक किनारे से भी हो सकता है, दोनों किनारों से भी हो सकता है, हो सकता है ए और बी वाले जीन डिलीट हो जाए, हो सकता है दोनों से डिलीट हो जाए, तो ये सारी कंडीशन इज नाउन एज अग्रीय विलोपन। उन सारी परिस्थितियों को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अग्रीय विलोपन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्वेशी, यदि मध्य वाले भाग से कोई गुणसूत्री खंड विलोपित हो, मध्य गुणसूत्री खंड विलोपित हो, जैसे अपन लोग इसमें सी डी मान लें, डी ई मान लें, तो ये मध्य वाला भाग मान लें, जैसे सी डी अपन लोगों ने मान लिया, तो इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, ए बी ई एफ जी, तो ये क्या है आपके अंतर्वेशी विलोपन है। ये कौन सा प्रकार है, अंतर्वेशी विलोपन। विलोपन के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं वो आप लोगों के सेकेंड टाइप, स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थानांतरण या ट्रांसफर की बात चल रही है। ट्रांसफर जनरली होता क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, तो वन एक क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम होगा, वन होमोलोगस टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो सकता है, वन होमोलोगस टू अदर होमोलोगस क्रोमोसोम हो सकता है, तो इट इज नाउन एज स्थानांतरण। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्थानांतरण दो प्रकार का हो सकता है, एक अंतः गुणसूत्रीय यानी एक ही गुणसूत्र के मध्य हो, और एक अंतरा गुणसूत्रीय जब दो विभिन्न गुणसूत्रों के मध्य हो, और ये दो विभिन्न गुणसूत्रों के मध्य होने वाला जो है ये बेटा आप लोगों के तीन प्रकार का हो सकता है, सिंपल, सरल, जिसमें क्या होगा कि जो ट्रांसफर पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, एंड वाले रीजन पे, कहाँ जाके अटैच हो जाए, एंड वाले रीजन पे अटैच हो जाए, तो इट इज नाउन एज सिंपल। अंतर्वेशी तो इसके अंदर क्या आएगा, मध्य वाले भाग में जुड़ेगा, और एक आपके पास आएगा विकम और विस्थापित। तो किसी दूसरे गुणसूत्र खंड दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य में हो स्थानांतर, तो क्या कहलाएगा आप लोगों के, विस्थापित। तो अपन लोगों ने देखा है कि स्थानांतरण में क्या होगा, कि स्थानांतरण के अंदर सर क्या होगा कि एक क्रोमोसोम से कोई क्रोमोसोमल पार्ट सेगमेंट क्या होगा, डिलीट होगा और किसी अदर के साथ जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इट प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। ये स्थानांतरण प्रक्रिया एक ही गुणसूत्र में हो सकती है और दो गुणसूत्रों के मध्य हो सकती है, उस बेस पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। आगे थर्ड टाइप हम लोग जो डिस्कस करते बेटा वो आपके द्विगुणन, डुप्लीकेशन। कि सर द्विगुणन में क्या होगा कि डबलिंग होगी, सर तो पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कोई एक गुणसूत्रीय खंड टूटता है और कि जब वो जुड़ता है तो जुड़ने पर उस खंड की वहां पर क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति, वो डबल हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होगी, द्विगुणन होती है। जैसे जस्ट सपोज लाइक अपन लोग देखें
यदि ये कंडीशन आ रही है तो आप लोग देखो इसको, देखने पर कुछ आपको ऑब्जर्व हुआ होगा कि सर नहीं इसमें क्या हुआ है, सीडी वाले जो जीन है वो डबल हुए ना, तो ये क्या होगी द्विगुणन। अब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बेस पर द्विगुणन आपके क्या होता है, तीन प्रकार का होगा। पहला होगा अनुबद्ध द्विगुणन, टेंडेम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होगा बेटा, अनुबद्ध वैसा का वैसा ही ऑर्डर आएगा, सेम ऑर्डर में आए, जैसा कि ये आपको डायग्रामेटिक जो अपेयर हो रहा है वो यही टाइप है। इसमें जो ये सूत्री खंड निर्मित हुआ है वो उसी क्रम में आया है, तो वो क्या होगा आपके अनुबद्ध होगा। जैसे सी डी था, आप आने वाला अगला क्रोमोसोम ऑर्डर भी कैसे आए, सी डी आए, तो अनुबद्ध है। अगला है आपके व्युत्क्रम द्विगुणन, रिवर्स टेंडेम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जस्ट लाइक आप लोग देखोगे ये क्रोमोसोम है, यदि उसके अंदर कंडीशन क्या हो जाए, दिस टाइप की कंडीशन हो जाए, ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व करने पर आपके आइडिया आया होगा सर सीडी वाले जीन जो सेगमेंट था वो डबल हुए हैं, लेकिन सर उसमें ऑर्डर अपोजिट आ रहा है ना, सीडी था इधर डीसी आ रहा है, तो इट इज नोन एज रिवर्स टेंडम। थर्ड इज विस्थापित या रेसिप्रोकल, विपरीत हो जाए। तो इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें जो पार्ट है, सपोज करो ये कंडीशन आ जाए, तो इसको देख के ऑब्जर्व करो क्या माइंड में आया है, कुछ आया क्या सर, आया इसमें भी क्या हो रही है, डबलिंग हो रही है, द्विगुणन हो रहा है, लेकिन दो ही सी डी जीन का हो रहा है, इस खंड का हो रहा है, अब लेकिन ये खंड अंत में आ रहा है, कहीं दूसरी जगह आ रहा है, उस ऑर्डर के साथ नहीं आके किसी और दूसरे ऑर्डर के साथ आ रहा है, ना तो सेम ना अपोजिट, बल्कि किसी अदर फॉर्म में दूसरी लोकेशन पे आ रहा है, तो वो आपके होगा डिस्प्लेस्ड विस्थापित, उल्टा हो गया अपोजिट। तो ये हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए हैं आप लोगों के सम टाइप्स, इसके गुणसूत्रीय विपतन के, एक आप लोगों के रिमेनिंग है प्रतिलोमन, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।